फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने चार्ज स्टडी किया। मैंने अपने लेक्चर को रिव्यू किया, उसमें थोड़ा सा हिप टंग हो गया था। जब हम सेक्शन 220 डिस्कस कर रहे थे तो एक जगह 411 जगह 311 हो गया, तो ठीक कर लीजिएगा। दूसरा, सेक्शन 220 क्लास 3 में 392, सेक्शन 392 और 394 की जगह पर 292 और 294 हो गया था, बाकी सही है, आप समझ जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि आपको बता दें। और पिछले लेक्चर्स में जब हम इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल की जगह सेकंड शेड्यूल मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने देखा, वो भी आप ठीक कर लीजिएगा। और जब हम एफआईआर स्टडी कर रहे थे तो एफआईआर में हमने आपको जब ऑप्शंस बता रहे थे कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखता तो कहां कहां जा सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे रिक्वेस्ट करने के लिए, या एसपी के पास जाएंगे। अरे, एक तीसरा ऑप्शन भी बताया मैंने आपको कि 36 में सुपरियर ऑफिसर केपी में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो मेरे मुंह से सेक्शन 39 निकल गया था, वो सेक्शन 36 है। ओके, अब हम शुरू करते हैं ट्रायल। एक और मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, drsatishchandra02@gmail.com। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई ग्रीवांस हो या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल पर डाल देंगे, क्योंकि हमारे लेक्चर्स फ्रूटफुल तभी ज्यादा होंगे जब बायलेटरल होगा, मल्टीलेटरल होगा, डिस्कशन और डिबेट होगा। क्योंकि मेरी आदत अभी तक स्टूडेंट्स के बीच में बोलने की नहीं है, और ये मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है, नया एक्सपीरियंस है, और बड़ा अजीब लगता है आप अकेले बोले और कुछ सुनने वाला ना हो। तो कम से कम सुनने वाला ना हो तो कम से कम क्वेश्चन करने वाला हो, दूसरे दिन आप क्वेश्चन करें, थर्ड डे क्वेश्चन करें, और जो भी आपके मन में शंका हो आप अनहेसिटेटिंगली बिना किसी हिचक के आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बंद चल रही है, कॉलेज बंद चल रहे हैं, और इस क्लोजर का, लॉकडाउन का एडवांटेज हम लोग इसी लेक्चर के थ्रू ले सकते हैं जितना ले ना चाहते हैं, और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रायल। जब ट्रायल की हम बात करते हैं तो इससे पहले आपने देखा था कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था, संज्ञान लेने के बाद चार्ज फ्रेम हुई थी, तो ट्रायल चार्ज फ्रेम होने के बाद की स्टेज है। चार्ज एक नोटिस होती है जो कोर्ट अक्यूज को देता है, और इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चार्ज में होनी चाहिए अक्यूज अपने को डिफेंड कर सके, क्योंकि जब तक वो डिफेंड नहीं कर पाएगा तब तक ट्रायल फ्री एंड फेयर नहीं होगा। अब चार तरह के ट्रायल हम लोग स्टडी करते हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। लेकिन जब हम जाएंगे डिफिनिशन क्लास में तो केवल दो ट्रायल की बात तो नहीं की गई, दो तरह के केसेस बताए गए हैं, वारंट केस और समन केस। सेक्शन 2(x) में वारंट केस जो 2 साल से लेकर डेथ सेंटेंस तक पनिशेबल है, और जो वारंट केस नहीं है वो समन केस होगा। तो कभी इन वारंट और वारंट केस और समन केस को कभी ट्रायल से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायल एक प्रोसीजर है, ये डिफिनेशन है। जब आप ट्रायल करने जाते हैं तो सेशन ट्रायल भी वारंट केस का ही पार्ट होगा, क्योंकि सेशन कोर्ट को डेथ सेंटेंस तक की
पनिशमेंट देने की पावर होती है। तो डिफिनेशन में आपको सेशन केस नहीं मिलेगा, केवल समन केस मिलेगा, वारंट केस मिलेगा, लेकिन ट्रायल में आपको अलग अलग ग्रेड्स मिलेंगे। तो जो ट्रायल का पर्पज होता है, ट्रायल का जो डिवीजन होता है, उसका पर्पज ये होता है कि जिस जज को पनिश करने की जो पावर है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को देखते हुए उसका डिवीजन कर दिया गया है। तो सेशन कोर्ट को आप जानते ही हैं कि अप टू दी डेथ सेंटेंस दे सकता है। पहले सीजीएम को 10 साल की सेंटेंस की पावर थी, लेकिन बाद में घटा के 7 साल कर दिया गया उसे, और उसकी जगह पे एक जज और अपॉइंट कर दिया गया जो कहलाता है असिस्टेंट सेशन जज। तो असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक्सेप्ट द पनिशमेंट। क्योंकि जो असिस्टेंट सेशन जज होगा उसको पनिश करने की पावर होगी मैक्सिमम अप टू 10 इयर्स, क्योंकि सीजीएम यानी कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर 7 इयर्स है। इसलिए 7 इयर्स के बाद जो भी ट्रायल करेगा वो असिस्टेंट सेशन जज करेगा और वो सेशन ट्रायल होगा। तो सेशन ट्रायल तब होगा जब पनिशमेंट 7 साल या उससे अधिक होगी। तो असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की एक ही पावर होती है, जबकि असिस्टेंट सेशन जज की पावर लिमिटेड होती है फॉर पनिशमेंट अप टू 10 इयर्स मल्ली। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रायल का पूरा सिस्टम है। जब हम बात करते हैं सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल या समरी ट्रायल की, तो ट्रायल का पूरा एक ग्रुप है, एक पूरा सिस्टम है। आप सारे ट्रायल्स को अलग अलग करके नहीं देख सकते, एक्सेप्ट दी डाइल्यूशन ऑफ द प्रोसीजर। डाइल्यूशन का अर्थ ये होता है कि जब हम आते हैं ट्रायल में जिन उन कोर्ट के लिए, उन कोर्ट्स में जिनको पनिशमेंट करने की पावर कम होती है, तो वहां ट्रायल छोटा होता जाता है कंपेरेटिवली। जैसे सेशन ट्रायल बड़ा होगा क्योंकि पनिशमेंट बड़ा है, वारंट ट्रायल उससे थोड़ा छोटा होगा क्योंकि उससे कम पनिशमेंट है, समन ट्रायल और समरी ट्रायल तो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि जो सीआरपीसी का जो कॉन्सेप्ट है फ्री एंड फेयर ट्रायल का, उसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जस्टिस स्पीडी होनी चाहिए, दूसरा फ्री और फेयर होनी चाहिए। तो जस्टिस फ्री एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जब बैलेंस फ्री फेयर एंड स्पीडी इन तीनों में बैलेंस करेंगे, तो सेशन ट्रायल में मैक्सिमम इंपेसिस दी गई है फ्री एंड फेयर को, क्योंकि देर से दुर्घटना भली का कांसेप्ट है, पनिशमेंट ज्यादा है, अक्यूज का पूरी बॉडीली डिटेंशन इन्वॉल्व है, उसका जेल हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, डेथ सेंटेंस हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत फूक फूक कर चलने की कॉन्सेप्ट सेशन ट्रायल में अडॉप्ट की गई है। वारंट ट्रायल में भी कुछ स्टेप्स को कम तो कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि पनिशमेंट उसमें भी कम नहीं होता, कंपेरेटिव भी ज्यादा होती है, इसलिए एक बैलेंस उसमें भी रखा गया है कि स्पीडी होने के साथ साथ केयर रखा जाए। जैसे कहते हैं दुर्घटना से देर भली, आप देखेंगे जितना बड़ा ट्रायल होगा उतने ही ज्यादा पनिशमेंट होगा और उतनी ही केयर आपको करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट है। इसके नीचे जब आप आएंगे सेशन समन ट्रायल में तो बहुत कम, क्योंकि 2 साल का पनिशमेंट होता है और समरी ट्रायल तो बहुत ही छोटा होता है। इसी कंटेक्स्ट में जब आप ट्रायल पर देखेंगे तो सारे ट्रायल के कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं, जैसे नो ट्रायल विदाउट चार्ज, चार फ्रेम सब में करना पड़ेगा। अब यहां चार्ज फ्रेम करना और चार्ज मेक करना, फ्रेमिंग द चार्ज, मेकिंग द चार्ज। जब चार्ज फ्रेम करने की बात करेंगे, हमने डिस्कस किया था 211 लेकर के 224 में, जब चार्ज फ्रेम करने की बात करें, फ्रेम मीन्स रिटर्न चार्ज,
एंड इन फॉर्मेट, जो फॉर्मेट जो कॉलम सेक्शन 211 से 214 में दिए गए हैं उस फ्रेम में चार्ज होना चाहिए, उसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। तो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के दो पिक्यूलियर फीचर्स हैं, एक तो रिटर्न होना चाहिए और दूसरा जहां तक संभव हो उसे फॉर्मेट होना चाहिए जो सेक्शन 211 से 214 में दिए गए। ये कॉन्सेप्ट है, फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट है, सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल, क्योंकि बड़े ट्रायल्स हैं और इनमें पूरी फॉर्मेलिटीज चार्ज की जरूरी होती है पूरी करनी। लेकिन जब आते हैं समन ट्रायल की तरफ, समरी ट्रायल की तरफ, तो क्योंकि पनिशमेंट कम है, ऑफेंस की ग्रेविटी कम हो जाती है, इसलिए यहां पर हम आ जाते हैं स्पीडी ट्रायल की तरफ। इन कंपैरिजन टू द फॉर्मेलिटीज, कंपैरिजन टू द फ्री एंड फेयर, स्पीड जरूरी हो जाती है। तो इन सारे जो फिलॉसफीज हैं दोनों, उसको असिमिलेट किया गया इन ट्रायल, इस ट्रायल सिस्टम में। तो ट्रायल सिस्टम का पहला पार्ट है चार्ज। तो चार्ज समन ट्रायल और समरी ट्रायल में चार्ज को फ्रेम करना जरूरी नहीं होता, फॉर्मूला चार्ज लगाना जरूरी नहीं होता। अगर अक्यूज को चार्ज के बारे में पता लग गया, अपने ऑफेंस के बारे में पता लग गया, ओरली बता दिया जाए, उसे रिकॉर्ड कर ले मिस्टेक, तो भी चार्ज हो जाता है, उसको फॉर्मली सेक्शन 211 या 200 से लेकर 214 के जो फॉर्म दिया गया है उसमें जरूरी नहीं है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसको मिस की जा सकती है क्योंकि चार्ज, क्योंकि ट्रायल जल्दी हो सके। एक चीज, नो ट्रायल विदाउट चार्ज, पहला कॉन्सेप्ट ट्रायल सिस्टम के होता है, क्योंकि जिसके गेंस में आप ट्रायल करने जा रहे हैं, जिसको कन्विक्शन करने या पनिश करने जा रहे हैं, जिसका जीवन दांव पे लगाने जा रहे हैं, उसको पूरा पता होना चाहिए कि उसे क्यों लाया गया कोर्ट के सामने। और ये जरूरी है कि उसको इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस के इस एलिबोरेशन के साथ दी जाए, इस एक्सटेंडेड दी जाए कि अपना वो डिफेंस प्लीट कर सके प्रॉपर तरीके से। तो पहला है नो ट्रायल विदाउट चार्ज, तो चाहे फ्रेम करें चाहे उसको बताए। सेकंड है चार्ज फ्रेम करने के बाद, ध्यान रहे चार्ज फ्रेम करने के बाद अक्यूज्ड के कुछ राइट्स हैं। वो राइट्स क्या हैं? जब चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद अक्यूज और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद या तो अक्यूज डिस्चार्ज होगा या चार्ज होगा। जब चार्ज होगा तो ट्रायल आगे बढ़ेगा। जब चार्ज हो गया, चार्ज लग गया, अगर डिस्चार्ज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे डिस्चार्ज का मतलब एक्विटल नहीं होता। डिस्चार्ज अगर हो गया उस पर दोबारा चार्ज लगाया जा सकता है, बार बार चार्ज लगाया जा सकता है। और अगर चार्ज लग गया तब अक्यूज को एक राइट मिलता है, उसे कहते हैं राइट टू प्लीड गिल्टी। कोशिश ये होती है जो सीआरपीसी की या ट्रायल सिस्टम की जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि ट्रायल को अननेसेसरी बढ़ाया ना जाए। इसलिए अक्यूज को जिस पर चार्ज लग गया उसे कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आगे क्यों बढ़ाना चाहते हो, या तुम न बढ़ाना चाहो तुम अपना गिल्ट यहीं पर प्लीट कर दो। ध्यान रहे द वर्ड इज प्लीट्स गिल्टी। कोर्ट के सामने अपने अपराध को स्वीकार करना, इस प्लीट्स गिल्टी को जो चार्ज लगने के बाद अक्यूज को मिलता है, कभी सेक्शन 164 में कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज से कन्फ्यूज मत करिएगा। कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने 164 में जो की जाती है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है। उसमें अक्यूज को कोई राइट नहीं मिलता अपने बचाव का,
हमने आपको बताया था कि मजिस्ट्रेट उसे कहेगा कि तुम अगर कहना चाहो कहो, ना कहना चाहो ना कहो। 164 में पहली चीज तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कन्फेशन अक्यूज ओपन नहीं करता, जबकि चार्ज के बाद ऐसा कोई फेज नहीं हो सकता जहां चाहे गवाह हो चाहे अक्यूज हो कोई स्टेटमेंट ओथ के बिना कहे, क्योंकि स्टेटमेंट की ट्रुथ, स्टेटमेंट की वेरेसी जरूरी होती है, अदरवाइज वो का टाइम वेस्ट होता है। तो ये कन्फेशन नहीं होता, इसलिए यूज किया गया वर्ड प्लीड्स गिल्टी। अगर वो कहता है साहब मैंने अपराध किया है तो कोर्ट कहेगा साबित करो, इसका मतलब अगर अपना अपराध भी कबूल करता है तो कोर्ट कहेगा साबित करो कि तुमने अपराध किया है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि सीआरपीसी में अक्यूज को ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये हमारी सिस्टम का लॉफ साइडेड पार्ट है, जो चार्ज होते ही अक्यूज को राइट दे दिया गया है। और एक एक्सेप्शन तो ठीक है कि ट्रायल लंबा ना हो, इसलिए अगर वो अपनी गिल्ट को, अपने अपराध को कहता है और ये एविडेंस देता है हाँ मैंने ही किया है, तो कोर्ट उसके प्लीड्स गिल्टी के बेसिस पर, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कोर्ट कन्विक्शन कर सकता है। अब देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल चार्ज फ्रेम हुआ है। चार्ज फ्रेम होने के बाद अक्यूज्ड के स्टेटमेंट के बेसिस पर ही अक्यूज्ड का कन्विक्शन हो गया। ये पहले ही कन्विक्शन उसका हो जा रहा है, जबकि अभी ना तो कोई एविडेंस आया है प्रोसिक्यूशन का, न तो डिफेंस अभी इंटर किया है। अब आगे देखिए क्या होता है, दूसरा पॉइंट है, बिना अक्यूज्ड को राइट दिए प्लीड्स गिल्टी का ट्रायल को आगे नहीं बढ़ा सकते। तीसरा फेज होता है अगर अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी नहीं करता, एकड़ी दिखाता है, एडामेंट है, चुप रहता है, तब कोर्ट को अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की कि तुमसे मैंने पूछा, तुम न तो बोल रहे हो, न तो मना कर रहे हो, न तो हाँ कर रहे हो, न तो ना कर रहे हो, इसलिए ट्रायल आगे बढ़ेगा। अब जब ट्रायल आगे बढ़ेगा तो पहला स्टेप होता है प्रोसिक्यूशन का, प्रोसिक्यूशन को बुलाना। आप एविडेंस एक्ट में सेक्शन 101 जब आप देखेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, और क्रिमिनल टाइम में बड़ा होता है, अक्यूज को दोनों पैरों में खड़ा होना होता है। अगर डिफेंस आगे चलते कमजोर भी हो तो भी डिफेंस कोई अर्थ नहीं है, और कोर्ट सबसे पहले इसलिए प्रोसिक्यूशन को बुलाता है, प्रोसिक्यूशन से कहता अपने गवाह लेके आइए, और उनके विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद, एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट ये ओपिनियन फॉर्म करता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन नहीं दे पाया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ही बुला रहे हो, ऐसे स्टेज में अगर प्रोसिक्यूशन से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, जो एविडेंस मजिस्ट्रेट चाहता है या सेशन कोर्ट चाहता है, अगर वो एविडेंस अक्यूज्ड अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलता तो वो अक्यूज्ड का एक्विटल कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक्विटल तो अंत में होना चाहिए जब दोनों की हियरिंग हो जाए, लेकिन यहां पर तीसरे स्टेज पर ही एक्विटल हो जा रहा है, अभी हम डिफेंस को बुला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस आए, जो विटनेसेस आए, उनको कंसीडर करने के बाद उन विटनेसेस को अक्यूज चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन करे, और करता है सेक्शन 138 एविडेंस एक्ट में एग्जामिनेशन इन चीफ। तो पहले तो जब प्रोसिक्यूशन के गवाह आए तो उसको एग्जामिन किया गया प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को, और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को डिफेंस एग्जामिन करता है एज ए क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिन करने के बाद जज को यह लगता है कि इसमें कोई आगे बढ़ने लायक केस नहीं है और अक्यूज को वही एक्विट कर देता है। अब हम चौथे स्टेप में आते हैं, अगर अक्यूज का एक्विटल पॉसिबल नहीं हो पाता
प्रोसिक्यूशन के एविडेंस और विटनेसेस के आधार पर तब मामला और आगे बढ़ता है। तब जज बुलाता है डिफेंस को। अभी सेशन में नहीं जा रहे, खाली आपको नरेट कर रहे हैं जो फेजेस हैं। तब अक्यूज के विटनेस को बुलाता है और बुलाने के बाद तब फिर दोनों पार्टी आमने सामने होती है, प्रोसिक्यूशन भी और डिफेंस भी। वहीं पर आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट के बाद जब आर्गुमेंट पूरा होता है तब कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है। थैंक यू। कट दिस सेशन।